हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलबुल क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का 9th चैप्टर, जिसका नाम है भारत माता। इसमें लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू अपनी बीती बातें बताते हैं। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, जलसा यानी कोई महोत्सव होता पार्टी के नाम पे, यानी कि राजनीति के नाम पे, और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यानी कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब भी कोई जलसा होता मुझे बुलाते तो मैं हिंदुस्तान के बारे में और भारत माता के बारे में चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने होते थे। सयाने यानी बहुत चतुर होते थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की ज़रूरत थी। गिजा होता है भोजन, यानी कि उन्हें दूसरे किस्म की भोजन की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, महदूद होता है सीमित, जिनका नज़रिया सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, यानी भारत देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी एक हिंदुस्तान था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, यकसैनी एक सम्मान थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो किसान थे एक सम्मान थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता। स्वराज्य होता है जिसका अपना राज्य होता है, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। यानी कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं उत्तर में खैबर दर्रे जो कश्मीर में पड़ते हैं और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो यात्रा करता था उनके बारे में मैं बताता, और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, सभी जगह किसान मुझसे सिर्फ एक ही सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। यानी कि सभी किसानों को सिर्फ एक सी समस्या थी, कर्जदार, पूंजीपतियों की शिकंजे, इन आदि इन लोगों से बचना। उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। ढड्ढा होता है बोझ के साथ, यानी कि किसान पर जो किसान बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पे लाद रखा था, इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं, जिसके हम सभी एक जुज हैं। जुज होता है जिसके हम एक भाग हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अब्सीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का जिक्र भी करता। कसमकस होता है पेशों का जिक्र करता, यानी जहाँ पे वहाँ पे जो भी होता उनका मैं जिक्र करता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता, और कहता कि अमरीका ने कैसे तरक्की की है। सोवियत संघ में जो भी परिवर्तन होते, तब्दीली होता है परिवर्तन, उनका हाल भी बताता। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जो काम आसान था मैंने उसे बहुत मुश्किल समझ रखा था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करार दी थी, और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं,
या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, सन 30 यानी 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी महामंदी हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के दूसरे देशों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, यानी किसी महोत्सव में पहुंचता, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। जब भी कभी जवाहरलाल नेहरू किसी जलसे में जाते, किसी महोत्सव में जाते, तो भारत माता की नारा लगा के उनका स्वागत करते लोग। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है। अब जवाहरलाल नेहरू लोगों से पूछते हैं कि भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताजुब होता, कुतूहल होता है कि बहुत अचंबा होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया, यानी कि एक किसान ने जवाब दिया, भारत माता से उनका मतलब धरती से है। मैं उनसे पूछता था कौन सी धरती, यानी कि जिस किसान ने उत्तर दिया था कि भारत माता का मतलब धरती से है, तो उनसे पूछता कि कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की, यानी पूरे राज्य की, सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है, यानी कि उनका मतलब कौन सी धरती से है, गांव की, शहर की, राज्य की या फिर पूरे हिंदुस्तान की। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ, यानी कि जब वे उनकी बात से उब जाते, बोर हो जाते, तो वे जवाहरलाल नेहरू को कहते कि आप ही बताइए। मैं इसकी कोशिश करता और कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है कि हिंदुस्तान का मतलब वह सब कुछ है जिसे उन्होंने अपने दिमाग में कुछ समझ रखा है, या बल्कि उनसे जो उन्होंने समझ रखा है उससे भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, अजीज यानी कि प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, यानी कि जो हिंदुस्तान के नाम पर जिनको गिना जाता है, जिनकी गिनती है, वे लोग हैं। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। यानी कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत माता का मतलब करोड़ों लोग हैं, जो भारत माता की जय हैं वे इन लोगों की जय है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि तुम भारत माता के अंश हो, तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। यहीं पर हमारा लेसन आज का समाप्त होता है। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।